नगर में इस बार रथ यात्रा का पर्व सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। रथ यात्रा न निकलने से भक्तों के मन में निराशा तो थी, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं थी। कोरोना महामारी के चलते भगवान तो रथ पे सवार होकर नगर भ्रमण के लिए नहीं निकले, लेकिन उनके भक्त उन्हें ढूंढते ढूंढते मंदिर तक पहुँचे। नगर में प्रतिवर्ष 3 जगह राधा कृष्ण मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर और श्री साईं मंदिर से रथ यात्रा निकलती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के विश्वव्यापी संकट के कारण आम जन के स्वास्थ्य रक्षा के लिए चिंतित शासन प्रशासन ने रथ यात्रा की अनुमति प्रदान नहीं की, जिसके बाद नगर में इस बार रथ यात्रा पूरी तरह से स्थगित रहा। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर रथ यात्रा के दिन तीनों मंदिरों में सभी औपचारिक रस्में निभाई गई। विशेष पूजन अनुष्ठान के साथ भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को आकर्षक ढंग से सजाया गया। तीनों मंदिरों के पुरोहित पंडित भागवत प्रसाद मिश्रा, संजय मिश्रा, पंडित रविशंकर महाराज, पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री, पंडित कुबेर पांडे द्वारा पूजन के बाद भगवान को गर्भगृह से निकालकर उन्हें रथ में बैठाया गया और औपचारिकता के तौर पर मंदिर के प्रांगण में ही घुमाया गया और फिर उन्हें उनकी मौसी के घर ले जाकर पुनः स्थापित किया गया, जिसका दर्शन लाभ करने बड़ी संख्या में नगर व अंचल के लोग इन मंदिरों में जुटे, जिससे कुछ पल के लिए यहां भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं मंदिर समितियों द्वारा रथ यात्रा में बांटी जाने वाली मुख्य प्रसाद चना और मूंग भी भक्तों को बांटा गया। सभी भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसे ग्रहण किए। इस दौरान राधा कृष्ण मंदिर समिति के ट्रस्टी गिरधर अग्रवाल, श्री सत्यनारायण मंदिर समिति से सहदेव कंसारी, श्री साई मंदिर से महेश भगत सोनकर प्रमुख रूप से मौजूद थे। ट्रस्टी गिरधारी अग्रवाल का कहना है कि रथ यात्रा निकलने के लिए मंदिर समितियों सहित भगवान के सभी भक्तों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमिशन नहीं मिला, जिसका दुख सभी नगरवासी सहित भगवान के भक्तों को है। लेकिन इस महामारी से सुरक्षा भी जरूरी है। हमारी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हम सभी को इस महामारी से जल्द निजात दिलाए। इस दौरान राधा कृष्ण मंदिर के सर्वाराकार मोहन अग्रवाल, गिरधारी अग्रवाल, नयन, अभिषेक, वीनू, विकास, दिलीप, प्रतीक, प्रणय अग्रवाल, ललित पांडे, पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गोयल, मुकुंद मेश्राम, राजू काबरा, पार्षद योगेंद्र कंसारी, राजेश कंसारी आदि उपस्थित थे। वहीं विजय कंसारी, केशव चंदन आदि व्यवस्था बनाने में लगे हुए थे। स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्री ने कहा कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का उत्सव विश्व के 164 देशों में मनाया जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों पर करुणा कृपा करके मंदिर से बाहर निकलकर आम जनों को दर्शन देकर निहाल कर देते हैं। वे लोग जो अपने धर्म पंथ आलस्य या प्रमादवश मंदिर नहीं आ पाते, उन पर भी भगवान की कृपा दृष्टि की वृष्टि हो जाती है। आज भी अपने भक्तों पर भक्तवत्सल भगवान कृपा बरसा रहे हैं। हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि कोरोना नामक महामारी के विश्वव्यापी संकट से हमारे देश और दुनिया को शीघ्र मुक्ति दिलाए और एक बार फिर हम अपनी रथ यात्रा का आनंद उत्सव अगले वर्ष बड़े धूमधाम से चौगुने उत्साह से मनाएं। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ अब कुछ श्रद्धालु भक्तगण हैं जो यहाँ मंदिर परिसर पर भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। जी बताइए, किस तरह से आप इस बार रथ यात्रा मनाएं? वैसे तो हम हर साल एकदम धूमधाम से मनाते हैं जी, लेकिन इस बार क्या है, कोरोना के नाम से एकदम सादगीपूर्ण, मतलब भगवान को मंदिर के प्रांगण से, प्रांगण भी 2-3 घुमाए हैं जी, और घुमा के वापिस उनके स्थान में रख दिए जी। और ज्यादा आदमी इस बार सम्मिलित नहीं किया गया कोरोना नाम उत्साह में, कोई पालन किया उत्साह में कोई कमी इस बार उत्साह में कमी उत्साह में वैसे कोई कमी तो नहीं है, लेकिन जैसे रहना चाहिए जैसे मनाते हैं उससे थोड़ा फीका लग रहा है सर जी। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम रमेश कंसारी। हमारे साथ श्री सत्यनारायण मंदिर के अध्यक्ष यहाँ पर है, नगर का जो कि नगर कंसारी समाज से भी अध्यक्ष है जी। बताइए सहदेव जी, कैसे किस तरह से इस बार आप लोगों ने रथ यात्रा मनाई? इस समय रथ यात्रा शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से प्रतिबंध होने कारण हम रथ यात्रा नहीं निकाले जी, और हम मंदिर में ही अपना पूजा पाठ किए जी, और रथ मंदिर प्रांगण में घुमाए जी, और वापस अपना किसी स्थान पर लाके स्थापित कर। भक्तों के लिए जो चना मूंग की प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, इस तरीके की व्यवस्था भी हमें बहुत सीमित मात्रा में प्रसाद वितरण किया गया है जी, और मंदिर में इकट्ठा नहीं किया गया है जी, और हम सदा इसमें
अपना निगरानी रखते हुए इस नवरात्र यात्रा पर्व मनाया गया है। जी, उत्साह में कोई कमी त्योहार के की बिल्कुल उसी तरीके से या कोई चीज की कमी? उत्साह में मतलब शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। जी, उत्साह में कमी होना है। जी जी, हम मंदिर में ही अपना पूजा पाठ किए हैं। जी, जिस प्रकार प्रति वर्ष जगन्नाथ भगवान का पूजा पाठ करते हैं, इस वर्ष भी उसी प्रकार पूजा पाठ किए हैं। जी, और अपना कार्यक्रम को बहुत सादगी ढंग से मनाया गया है। हमारे साथ पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष विजय गोयल जी हैं, जो प्रतिवर्ष रथ में चलते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जी बताइए गोयल जी, इस बार किस तरीके से रथ यात्रा तो आपके द्वारा मनाई गई? पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, उस प्रकोप को आज भगवान जगन्नाथ को भी सहना पड़ा है। जी, जिस उत्साह भारी उमंग के साथ आज लोग इस रथ में उठते थे, भगवान की रथ यात्रा आज और साहब पूरी तरह से, लेकिन भगवान जगन्नाथ पूरे विश्व को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे महापर्व को महामारी की शक्ति प्रदान करें, और आने वाले वक्त से पूरी उम्मीद करते हैं कि महामारी से जंग जीत लेंगे। हमारे साथ श्री राधाकृष्ण मंदिर समिति के ट्रस्टी यहाँ पर गिरधारी अग्रवाल जी हैं। जी अग्रवाल जी, बताइए इस बार किस तरह से आपने रथ यात्रा मनाया? बहुत सादगी रूप में मनाया रथ यात्रा। जी, शासन ने रथ को जलाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। जी, भगवान के गर्भगृह से गोदी पाके भगवान को जी ला के जनकपुरी, जहाँ मौसी का गर्भ होते वहाँ ला के पिला। जी, बहुत साधारण रूप से उत्साह में कमी है जैसे अन्य वर्षों में? उत्साह तो रहा नहीं। जी जी ठीक।